मैंने अगर मैंने किसी से 10 रुपये उधार लिया था, मैं आपको एग्जाम्पल दे करता था, 100 साल का मेरा कोई फ्रेंड था, उससे 10 रुपये में उधार लिया और वो आदमी मर गया, मैं शरीर छोड़ दिया, उसको 10 रुपये वापस दे दिए। अब 100 साल के बाद वो क्या बन के आएगा मेरे पास? या तो मेरा पति बन के आएगा, या तो पत्नी बन के आएगी, या तो मेरा बेटा बन के आएगा, बेटी बन के आएगी, या मेरा बिजनेस पार्टनर बन के आएगा। और मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा? 10 रुपये वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, और साथ में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ब्याज कितना हो गया पता है? 10 रुपये का ब्याज 100 साल का कितना हो गया? 4 करोड़ 19 लाख रुपये। आप हिसाब लगाना। अब मान लीजिए आपका बेटा बन गया है, आपने उस बच्चे को पढ़ा लिखा दिया, 1 करोड़ खर्च कर दिया, 2 करोड़ खर्च कर दिया, अब वो आपसे खुश होता है क्या? खुश होता है? खुश नहीं होता है, क्योंकि 2 करोड़ 19 लाख बाकी है ना देना, इसलिए खुश नहीं होता है। कोई पति पत्नी से खुश क्यों नहीं है? क्योंकि उसका लेने देने का हिसाब होता है ना, उसने कितनी सेवा कर ली, अभी भी वो पूरी नहीं हुई है, खुश नहीं रहता उससे। कोई पत्नी अपने पति से खुश नहीं, क्यों खुश नहीं है? कर्मों का हिसाब किताब इतना है, वो लेना देना बहुत सारा बाकी है। बच्चे माँ बाप से खुश नहीं, क्यों खुश नहीं? कर्मों का हिसाब किताब लेना देना बहुत बाकी है, माँ बाप बच्चों से खुश नहीं है। ये कलयुग की बात बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपने किसी से 2 बार इंसल्ट किया 100 साल पहले, इस विषय में कितनी बार इंसल्ट हो गया आपको बता दें, कितनी बार इंसल्ट हो गया? अगर आपने 2 बार दिए 100 साल पहले किसी को, वो अब आपकी पत्नी बन गया है या पति बन गया है, कितनी बार इंसल्ट करेगा आपकी? कितनी बार करेगा? 200 बार तक इंसल्ट करेगा नहीं करेगा? तो ये कर्मों का हिसाब, ये मेरे दिल में सत्य मुझे समा लेना चाहिए, मेरे अंदर के जगत में, अंदर के संसार में मुझे समा लेना है। ये बाबा का क्या है, ये मुरली जो है इसको तक समा लेना है, ये मुरली बाबा की मुरली मेरे दिल में चली जानी चाहिए, मेरी कॉन्शियसनेस से चले जाए, कॉन्शियस में अंतर आत्मा में उतर जाने चाहिए, अंतर जगत में बस बाबा और बाबा की मुरली मेरे लिए चाहिए। मुरली मुझे ये तो सिखाती रहो चाहिए, बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, कोई गाली दे, कोई तुम्हारी पढ़ाई करे, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें दोनों को सहन करना, निंदा को भी सहन करो और पढ़ाई को भी सहन करो। किसी की पढ़ाई से तुम बड़े नहीं होते हो और किसी की बुराई से तुम छोटे नहीं होते। निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सबको सहन करो। तो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अभी